मैं शरीर दे मरण नूं मौत नहीं गिणदा, जमीर दे मरण नूं मौत गिणदा। सिख दी मौत उदों हुंदी है जदों अपनी जमीर नूं बीबी इंदरा दी चपली दे थले ला के ते दाड़ा रख के कह रहे सिख कौम ने मैं सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साहिब संत जीओ साहु संगत गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे खालसा जी, आप जी ने सतगुरु जी की पवित्र गोद सज के गुरमुखा पासों सोहने विचार सुने हैं। अज आप एक महान योधे सचखंड वासी की याद भी मना रहे हाँ। ये जथा किसी टोपी वाले ने चलाया, ये पुत्रां दे दानी सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी चलाई हुई टकसाल है। तो इस टकसाल का पहला जथेदार बाबा दीप सिंह जी है, जो मेरे तो 14वें थान से, जिहड़ा सीर तली ते रख के ते 80 साल की उम्र विच ते लोथां दे ढेर ला के ते इत्थे पहुंचिया सी। सबर बहुत कर चुके हैं, मुश्किल हुण जरना जरांगे। वैसे संतां ने कहा भी जर के चलना, शांति रखनी है, चलांगे थोड़ा थोड़ा। पर एक बेनती तुहानूं जरूर करदा, शांति रखियो ते तैयारी भी रखो। जिस दिन पता लग जाए कि दरबार साहब की हदूद अंदर पुलिस ने टकसाल नूं ते पंथ दे मुखी संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल नूं ते इस स्थान की बेअदबी करने वास्ते ते सारयां नूं खत्म करने वास्ते हमला कर दिता है, मैं दृढ़ता सहित अपनी जिम्मेवारी नाल गल कहनी चाहुंदा, किसे दे जुम्मे ला के नहीं, कि जितने नौजवान ते बजुर्ग जो कुछ कर सकते हो, जेड़े सिख कम सिख वक्री कौम की विरोधता विच लगे हुए हैं, सिखी स्वरूप नूं भैड़ी निगाह नाल तक के ते फिरका प्रस्ती फैलाउण विच लगे हुए हैं, जेड़े सिखां दा खून पीण ते तुले हुए हैं, जिस दिन इत्थे हल्ला कर देण तुहानूं पूरी तसली हो जाए कि इन्होंने हमला किया है, उस दिन मैं समझांगा तुहाडा सतगुरु ग्रंथ साहिब जी ते निश्चा ते दास नाल प्यार तां होवेगा जे शहरां ते पिंडां विचों एक एक गुरु का गुरु ग्रंथ साहिब दा निंद चुण चुण के मारोगे तां सवाल आउणा। पर ये नहीं कि कोई ऐने जाके कह देवे ते घबराहट विच नहीं आउणा, जदों तुहानूं यकीन हो जाए कि इन्होंने काम किया है। पर एक तुहानूं होर भी हाथ जोड़ के बेनती करदा समाप्ति विच, इन्हां ने भुलेखे च पै जाओ, इत्थे 4 सिपाही जां 200 जां 1000 ना तो मैनूं फड़ के लै जाणगे। ये मन विच मेरे भी बहुत चरदा भरिया है, इहदी चिंता ना करो, करे तुसीं इन्हां नूं इक वार आउण दिओ सही किराए, इस पास नूं ढेरियां ला के ट्रक भर के तोड़दा वेखो इन्हां दे किवें है। ये ना ख्याल करो जे आउंदे मैनूं चुक के लै जाणगे। हाँ, मरे नूं जरूर लिजा सकदा कोई ना कोई कितें, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜਦੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਰੋਪਿਆ, दूजे अखबार प्रेमी ने लिख दिता फुट फुट के रो पिया। खालसा जी, किसे बंदे नूं पता ना होवे उहदे बारे कोई ऐसा ख्याल नहीं हुंदा, पर जानबूझ के कोई कुशामद करके इहो जी गल करे ते उहदे बारे कदे ना कदे विचार आ जांदा है। संगत नूं भी इह सोच लैणा चाहीदा है, जिहड़ी टकसाल सीस धड़ तों लथण दे बावजूद ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। उस टकसाल का एक छोटा जिहा कूकर होवे, मेरे विच भावें उह शक्ति नहीं, ओनी बंदगी ओनी तपस्या ओनी सेवा दास विच नहीं है, कणका मात्र भी नहीं ओनी होनी तां बड़ी दूर दी गल है,
पर यह निश्चय नाल मैं संगत नूं ते इन्हां दो अखबारां वाले नूं तां जरूर कहना चाहुंदा अजीत ते अकाली पत्रकार नूं मैं खबर एक कल दित्ती सी ओह तां छापी नहीं ते जिहदे विच आ पग्गां वाले नूं दाग लगना है केस दाड़े वाले नूं दाग लगना है ओह छाप दित्ती है मैं कल एक खबर दित्ती सी लिखती रूप विच भी ते इत्थे बोल के भी कि खालसा जी सिखां नूं सोचना पवेगा भी असीं सिर ते पग सजा के दस्तार सजा के साफ सूरत रख के शहरां ते पिंडां सड़कां ते विचरना है कि जां सिर ते टोपी लैके ते दाड़ियां मना के विचरना है यह फैसला कौम ने करना है ये खबर तां दित्ती नहीं ते रोण दी दे दित्ती किहड़े मनुख ने मैनूं रोंदा वेख्या है मैं अखबारों वाले नूं कहना चाहुंदा हाँ ते खास करके गौरमेंट नूं जे उन्हां दे अधीन होके कोई गलती होई है ते भुलेखे च होई है ते फिर तां कोई गल नहीं जे अधीनगी सहित होई है ते फिर मैं दस देना चाहुंदा हाँ माण तां नहीं सतगुरु दे आसरे ते ओट तक के कहिंदा हाँ बंद बंद कट के वेखो शीश ते अग ला के वेखो आरा चला के वेखो ये तां मैं नहीं कहिंदा मैं जाप करूंगा क्योंकि माण दी गल है पता नहीं सतगुरु करवा देण गुरु समर्थ है पर मूह विचो सी एक वेर कढ़ा दिओ एक वेर हाय कढ़ा के तां विखाओ मूहो ते कह देना जी भुब्बा मार के रो पिया वो जिस मनुख की ड्यूटी है कि एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक एक एक अखर का विख्यान करना कथा करनी है ये उत्पत्ति की है वित्तपति की है थान का की है प्रमाण की है साखियां की हैं इहदा सिधांत की है जिस मनुख की ड्यूटी दसण की होवे वो मनुख कदे रो सकदा जिस गुरु की बाणी ने फैसला कर दिता है जो मैं पिछा रोब सी सो मैं मूल ना पाया सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी का सद विच सुंदर जी द्वारा यह कह रहे हैं ते साडे भरा बजुर्ग वह लिख रहे हैं जी कि संत जी वेख के रो पए ये नरक धारिया सीगा भी उत्थे भुब्बा मार के रोवेगा ते घर वाली केस खिलार के रोवेगी ते सरकार नहीं रोवेगी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ही चलाई हुई टकसाल है खालसा जी इन्हां भुलेखियां विच नहीं कदे भी पैणा मैं भावें अज बोलण दा संकोच कीती सी पर कई संगतां विचारियां जाके मैनूं कहणगे संत जी तुसीं वी रो पए मैं तुहानूं किहने दस्सिआ आखे अखबारां ने मैं किन्ने वेर बेनती कर चुकिया है भी अखबार कोई अकाल पुरख की धुरों अलाही बाणी नहीं एक किसे मनुख की पेट पूर्ति का एक साधन है पैसा कमाउण का एक साधन है किसे दे हाथ विच कलम है कागज है वो जो मर्जी लिखी जावे एक्शन लैण वाला तो है कोई नहीं हाँ समा कितने आऊ तो फिर वेखी जाऊ कहिंदे कदों मैंने समय ने याद दी तो मेरे कितने हाथ लग गए कहिंदे वो तां कातल है मैं तुहाडी निगाह च कातल हाँ साडी निगाह च जिउंदे शहीद ते बहादुर है कहिंदे क्यों मैं 13.5 सिंघां दा खून पीण वाला 78 जाखियां दा खून पीण वाला वो जे वो आपदे चेले चाकरियां नूं 500-500 रुपया घरे बैठे नूं गुरबचना नरक धार गया दे सकदा है और जिन्हां ने डिगी होई कौम की मुछ नूं रोड़दी होई अणख नूं अपनी माता दे चुंगे दुध नूं सफलिया करन वास्ते कुख नूं भाग लाउंदिया होया गुरबचन दे भवन च पहुंच के ओरी धौण ते रख के गोडा ओरी वक्खी विच नहीं लगा के कौम नूं जिंदिया कीता मेरा कोई हक नहीं बनदा उन्हां दी सेवा करनी समा आया ते जरूर तोलांगा ओ प्रश्न करदे कहिंदे संत जी सोयना हैगा तेरे कोल इन्ना ते मैं इन्हां ते प्रश्न कीता तुहाडे कोल रणजीत सिंह हैगा तुसीं रणजीत सिंह दे दो मैं सोयना दे दिंदा कहिंदे रणजीत सिंह नूं तूं कित्थों लिया अगर सोयना कित्थों लियावेगा मैं भीड़ पई तेरे देश ते मैं तेनूं हिंद दी चादर थले लगाया मेरे पुत्तां तेरे देश दी राखी कीती इक वार नहीं तेनूं वार वार बचाया आप भुखे आहे लड़क दे फिर भी अन्नदाता बन के तेनूं रजाया मेरी बोली ते मेरा पानी वंडिया तेनूं पौरा तरस ना आया और रूस तो बनाया असला पुछ दी फिरे अनंदपुर वालिया दे हाथ किवें आया अनंदपुर वालिया दे हाथ किवें आया तो बाकी सामने आ गया साडा बापू तां गुरु ग्रंथ साहिब जी है